पहले ब्राह्मण ही आचार्य होते थे, अब तो हमारा हर जनमानस आचार्य हो गया है। तिलक लगाओ, बोधी बनाओ, लाल पीले कपड़े पहनो, सब तुमको पंडित जी और महाराज जी कहने में लग जाएंगे। ये और बड़ी विडंबना है। पर हम सभी दुनिया वालों से कहते हैं, हर काली चीज कोयला नहीं होती, हर पीली चीज सोना नहीं होती है। इसीलिए लाल पीले कपड़े पहन करके जो आ जाए उनको संत ना समझा जाए, ये चोटी रखा लेते हैं पंडित ना समझा जाए। हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है। सम्मान के लिए हम सब ब्राह्मण बन जाते हैं, पर आरक्षण के लिए हम श्रीमान बन जाते हैं। आरक्षण की बात होगी तो वर्मा जी है, और सम्मान की बात हो तो शर्मा जी है। यही चल रहा है ना, सम्मान मिले तो शर्मा जी और आरक्षण मिले तो वर्मा जी। कान खोल के सुन लीजिए, या तो वर्मा बन जाओ और या फिर शर्मा बन जाओ। सम्मान के लिए दूसरे के बाप को बाप कहना ये नालायकी है, परंतु आरक्षण के लिए महाराज आप लोग वर्मा बन जाते हो तो ये धोखा और दगाबाजी है। ऐसे लोगों को सरकार ने कानून लाना चाहिए। जो अपनी जाति छिपा करके विवाह करें और सम्मान की चाह करते हैं, ऐसे लोगों को मौत की सजा वो भी चौराहे पर होनी चाहिए कानूनन। अभी पीछे हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ यूपी में, महाराज सम्मान के लिए तो सब ब्राह्मण बने हुए थे। जब पता लगा उसमें से 40% लोग अन्य वर्ण के थे जो आरक्षण के लिए लड़ रहे थे और सम्मान के लिए ब्राह्मण बने हमारे तीर्थों में फिर रहे। तीर्थों में सबसे बड़ा धोखा है, कोई भी तीर्थों से आए उसे 5 बातें जरूर पूछिए। पहली बात पूछनी है आपका नाम, फिर पूछना है गांव, आधार कार्ड जरूर देखा करो कथा कहने वालों का, हमारा भी देख लेना। आधार कार्ड में भी घोटाला होने लगा है ना। सबसे पहले ब्राह्मण अगर कोई है, कथावाचक है, धर्म प्रचारक है, अगर कोई संत है तो संत परंपरा की बातें जरूर पूछे। कौन द्वारा, कौन अखाड़ा, कौन गुरु स्थान, कौन परंपरा है? और इसमें भी गोत्र होते हैं, कहां से निकले हो, ऐसे ही ब्राह्मणों में होते हैं। आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, शाखा क्या है, प्रवर क्या है, कुलदेवी क्या है, कुलदेवता क्या है, शाखा क्या है, अगर इन सब बातों का ज्ञान कोई रखता हो तो समझ लेना ब्राह्मण है, और इन बातों का ज्ञान नहीं रखता हो तो समझ लेना ब्राह्मण के नाम पर आरक्षणधारी वर्मा जी शर्मा जी हैं।